तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का युवा शक्ति जीके कोच में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है इस टॉपिक में, क्योंकि आपके हर एग्जाम्स के लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से जो कि आपको 2 से 4 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल जाते होंगे आपके एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम्स में। तो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या होंगे आंसर्स इसका, सही ऑप्शंस भी आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, क्या हो जाएंगे इसका सही आंसर सभी साथी बताइएगा कि वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर ने गोवा पर अधिकार किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था, 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। चलिए आप पढ़ सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, ये रहे आपके स्क्रीन पे, क्या हो जाएंगे इसका सही आंसर। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्ति किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को, जो ये रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। किसका? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था, जो कि बंगाल का गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, कि निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था, वह यूरोपियन कौन था। तो इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, पुर्तगाली था, पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे, कि वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहां पे उतरा था, जब वास्को डिगामा 1498 को भारत जब आया था तो वह कहां पे उतरा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, कालीकट में उतरा था। कहां? कालीकट में उतरा था, कालीकट केरल राज्य में पड़ता है, कालीकट में उतरा था वास्को डिगामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, कि वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था, वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था, यह पुर्तगाली था या पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कहां उतरा था? कालीकट केरल उतरा था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, कि वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। क्या हो जाएंगे सही आंसर 6 का? तो इसका राइट से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे, सर टॉमस रो था, सर टॉमस रो था, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आके भेंट किया था। इससे पहले जो आया था वह आया था आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, उसके बाद सर टॉमस रो आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, कि गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। 7 का सही आंसर क्या होंगे सभी साथी बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि अल्बुकर ने गोवा को 1510 में किससे छीना था, 1510 में गोवा को किससे छीना था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, कि भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी, भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी। तो यह पुर्तगाली द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, कि ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किससे अनुमति लेने के लिए मुगल दरबार में आया था, जहांगीर के अनुमति लेने के लिए मुगल दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, कि भारत कि समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा द्वारा किया गया था। भारत में समुद्र मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से की गई थी। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे, पेरिस की संधि से हुई थी। किस संधि से? पेरिस की संधि से हुई थी तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, कि पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत में आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत में आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य जो था वह क्या था। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, काली मिर्च एवं अन्य मसालों की व्यापारी पर एकाधिकार प्राप्त करना था इसे।
ऑप्शन नंबर 13 का एक करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर को आपके स्क्रीन पे कि जब 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट उतरा था तो उसका जो कि स्वागत जो किया था वह किसने किया था। जब 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट उतरा था तो उसका स्वागत किसने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे कालीकट कोझिकोड के राजा जोमोरिन ने किया था। कोझिकोड के राजा जेमोरिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए 14 का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने सबसे अपना पहला फैक्ट्री कहां स्थापित किया था। क्या हो जाएंगे 15 का सही आंसर सभी साथी बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे कोचीन में स्थापित किया था। कहां कोचीन में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे 15 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 16 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कहां पे भारत में। ऑप्शन नंबर बी 16 का करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे कि अल्बुकर ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था। अल्बुकर ने गोवा को किस सुल्तान से छीना था। ये यूसुफ शाह आदिल से छीना था। यूसुफ शाह आदिल से छीना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे 17 का। कब 1510 ईस्वी में यूसुफ शाह आदिल से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जो बना भारत में कौन बना था। क्या हो जाएंगे इसका सही आंसर सभी साथी बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बना था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर बना था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग बना था। वॉरेन हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। रॉबर्ट क्लाइव पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था ठीक है। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित किया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित किया था। कहां किया था। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे मुसलीपट्टनम में किया था। मुसलीपट्टनम में किया था डच ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे क्या होंगे सही आंसर इसका। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे पुर्तगालियों को तंबाकू का प्रचलन का श्रेय जाता है। कहां पे भारत में। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे वास्को डिगामा ने किया था। किसने वास्को डिगामा ने किया था। कब 1500 ईस्वी में कहां किया था कालीकट में किया था। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो आया था भारत किस जहाज से भारत आया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे सेक्टर जहाज से भारत आया था। कौन जहाज से सेक्टर जहाज से भारत आया था। ऑप्शन नंबर 23 के लिए एक करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे टॉम्स स्माइथ था। टॉम्स स्माइथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। 25 का सही आंसर क्या होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे सूरत में स्थापित किया था। कहाँ सूरत में स्थापित किया था। तो दोस्तों क्वेश्चंस कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या था आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहे स्वस्थ रहे मस्त रहें।